नमस्कार, मैं अभी हिम्स हॉस्पिटल लखनऊ में हूँ। रवि सर, यहाँ से अपने पूरे हॉस्पिटल का पीछे दृश्य दिखा दो। ये हिम्स हॉस्पिटल लखनऊ है, ये देखिए पूरी बड़ी बिल्डिंग, ये पूरी बिल्डिंग है, 100 बेड का हॉस्पिटल है। ये एम्बुलेंस खड़ी है, ये नीचे ऊपर हिम्स का बोर्ड लगाया है, और ये पूरा, ये बाहर हमारी पूरी कैंटीन है। इसके बाद उधर सामने वेटिंग एरिया है। ये रवि सर, आप इसको क्लोज करके दिखा दीजिए कि ये जो ना, ये वेटिंग एरिया है। इसके बाद इधर ये राइट साइड पे हमारे पंचकर्मा केबिन्स हैं। ये पंचकर्मा केबिन्स हैं, देखिए जहाँ पे हम थेरेपीज देते हैं, पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं। उसके बाद राइट साइड पे ग्रैड सिस्टम है। मैं आपको साथ साथ ही अंदर लेकर चलता हूँ। रवि सर, जो भी चीज़ दिखानी हो ना, उसको क्लोज और वो पास कर दिया जी। तो अभी मैं हिम्स में, ये अगर मेरे लेफ्ट साइड में देखोगे तो वो सब ग्रैड टब सिस्टम जहाँ पे लगे हुए हैं, हॉट वाटर इमर्शन जिसको बोलते हैं, वो है। तो मेरे साथ मैं लेके चलता हूँ आपको हिम्स हॉस्पिटल। सर उधर से लेके आओ, ये सामने हम पांचों की फोटो लगी हुई है, मेरी, डॉक्टर बीआरसी, डॉक्टर अवधेश पांडे, डॉक्टर खादरवली और डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद। और अगर हम बात करते हैं तो अंदर, ये हमारे हॉस्पिटल का एंट्री गेट है, ये आपके सामने है। एंट्री गेट से हम अंदर चलते हैं और अंदर हम जनरल वार्ड में जाके देख भी लेंगे पेशेंट्स क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ये इधर हमारा सामने पूरा बोर्ड लगा हुआ है। अंदर आएंगे आप, अंदर आएंगे तो ये हमारा रिसेप्शन एरिया है। ये रिसेप्शन पे एक बार आप गेट पर चक्कर लगा के देख लीजिए, पूरा रिसेप्शन पे वेटिंग एरिया। उसके बाद जब रिसेप्शन पे वेटिंग एरिया के बाद हम अंदर आते हैं, एक बार सर ये बोर्ड भी दिखा दो सर, ठीक है। इसके बाद हम रिसेप्शन एरिया के बाद, ये हमारा वेटिंग एरिया है जहाँ पर पेशेंट वेट करता है। ये सामने उधर बिलिंग काउंटर है, इधर हमारी पूरी फार्मेसी है राइट में, और उसके बाद ओपीडी वन डॉक्टर अभिषेक बैठते हैं यहाँ पे, जो डॉक्टर अभिषेक शिवरे हैं, जो हमारे आईपीडी हेड हैं इस हॉस्पिटल के, वो बैठते हैं। फिर ओपीडी टू में एडमिट ब्लॉक बना हुआ है, और ओपीडी थ्री में डॉक्टर प्रियंका बैठती हैं। ये डाइट काउंसलिंग का रूम है, ये फाइनेंस काउंसलिंग का रूम है, और सुबह सुबह डॉक्टर अभिषेक से आपको मिलवा भी देते हैं। डॉक्टर अभिषेक जो हमारे आईपीडी हेड है, हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, सुबह सुबह लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? नमस्कार जी, मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि सुबह सुबह उठ के अपनी दिनचर्या जरूर सुधारें और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं। दिन में योगा और प्राणायाम जरूर अपनी दिनचर्या में शामिल करें। तालियां अच्छे से बजनी चाहिए, अच्छे से। ये हम लोग फेसबुक पे लाइव भी हैं, क्योंकि हमारे, मैंने इसको डेरा बस्ती और बाकी हॉस्पिटल्स पर लाइव भी करा कि आप लोगों को, उन पेशेंट्स को ये वाला हॉस्पिटल भी दिखा पाऊं। तो अब हम लोग, मैं आपको कुछ चीजें, कुछ बातें, कुछ बताना और सिखाना चाहूंगा जो आप लोगों ने करना है, ठीक है। रवि सर, आप बीच बीच में अपने आप ही करते रहना। हम लोग कितने तत्वों से बने हुए हैं, ठीक है। तो अपना हाथ ऐसे करो, इस वाली उंगली को पकड़ो, रिंग फिंगर को जिसमें अंगूठी पहनते हैं, ठीक है। इसको ऐसे दबाना है, और ये है, इसको दबाना है तीन उंगलियों से। ये है धरती, ठीक है, धरती तत्व ये है, दबाओ धरती, फिर उंगली छोटी वाली दबाओ जल, फिर अंगूठा दबाओ अग्नि, फिर एक और उंगली है वायु, और फिर उससे बड़ी उंगली आकाश। ये हमारे पांच तत्व है, ठीक है। तो धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, हम इनको मंत्रों के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप पहली उंगली को पकड़ते हैं धरती को, जब मैं बोलूंगा मेरे साथ बोलेंगे आप, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, इसकी ध्वनि का मंत्र लय, लम, लय के ऊपर बिंदी, तो क्या बोलोगे आप? लम। अगली उंगली का मंत्र है वम, वै के ऊपर बिंदी, फिर पकड़ेंगे उसको वम। फिर अंगूठा पकड़ेंगे उसको, बोलेंगे रै के ऊपर बिंदी रम, ठीक है। हम फिर उसके बाद अगली उंगली को पकड़ेंगे, बोलेंगे यह के ऊपर बिंदी यम।
और फिर एक बड़ी उंगली को, ये है के ऊपर बिंदी, हम इस तरह पांच पांच बार। सर आपने कल से इस हाथ में भी, इस हाथ में भी और पैरों की उंगलियों पे सेम पांच बार इस हाथ में, पांच बार इस हाथ में और पांच बार पैरों की उंगलियों में करना है। मैं रात को आपको बता रहा था कि हमारी बॉडी में एक ऐसा पॉइंट है, अगर आप उसको रोज सुबह शाम 11-11 बार प्रेस करते हो तो आपकी 80% बीमारियां तो वैसे ही ठीक हो जाएंगी। वो पॉइंट ये है जो मैंने बताया, धरन को चेक करने का पॉइंट। तो ये धरन को चेक करने का पॉइंट भी है, प्लस हमारी नाभि को और आज्ञा चक्र को बैलेंस करने का पॉइंट भी है। तो इसको पकड़ के ऐसे करेंगे और बोलेंगे ओ के ऊपर बिंदी ओम, ठीक है। तो जो अगर कोई मुस्लिम है तो अपने हिसाब से अपना कोई पाठ करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। कोई सिख है तो अपने हिसाब से कर सकते हो, बाकी जितने लोगों को ओम का मालूम है वो ओम करेंगे, ठीक है। यस स्टार्ट। ओ मैं एक बार प्रैक्टिस करा देता हूं आप लोगों को, ताकि आप लोग बार बार रोज करोगे। फिर एक बार करते हैं ओ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 और छठा पॉइंट क्या है। तो ये 6 पॉइंट बताए मैंने, ये बेसिकली हमारी रीढ़ की हड्डी में, हमारी बॉडी में चक्रा के स्थान है। जो लंब चक्र है वो सबसे नीचे, जो पुच्छल ग्रंथि है, जो रीढ़ की हड्डी का निचला सिरा है, उसके चक्र का नाम है लंब, जिसको बोलते हैं मूलाधार चक्र। जब आप नंगे पांव घास पे घूमते हो, जब धरती पे नंगे पांव चलते हो, फर्श पे नहीं, जो धरती मतलब जिसमें कोई सीमेंट प्लस्तर नहीं हुआ हो, जैसे पुराने टाइम पे कच्चे घर होते थे, गोबर से लीपते थे, तो वहां नंगे पांव घूमते थे फायदा होता था, क्योंकि वो धरती से जुड़े हुए थे। तो हमें वो सब अब दोबारा से करना है। तो वो लोग स्ट्रांग भी थे, बच्चे भी स्ट्रांग थे, बीमार नहीं पड़ते थे, एनर्जी मिलती थी। तो हमें धरती पे नंगे पांव रोज कम से कम आधा घंटा सुबह शाम धूप में भी जरूर बैठना है। तो हमें एक चीज हो गई। दूसरा, अगर टाइम मिले लेटने का तो वही घास पे लेट जाओ। हमारे देश में माँ किस किस को कहा जाता है? अपनी माँ को और धरती को और गौ माता को और गंगा को, तो इनको माँ कहा जाता है। तो आप बताओ ये माँ क्यों कहा? यानी कि माँ जितनी शक्तियां उस धरती में मौजूद है। एक देखो, आप धरती में एक बीज डालते हो और पानी देके भूल जाते हो, थोड़े टाइम बाद अपने आप फूटता है, अपने आप पौधा बनता है, बड़ा होता है, फिर फल बनता है, बीज निकलते हैं। तो धरती में वो ताकत है ना कि भाई किसी बीज को क्या बना दे। और वही ताकत माँ के अंदर है। माँ के अंदर भी क्या आता है? एक बीज तो आता है, वो बीज बड़ा होके 9 महीने के बाद एक सुंदर सा बच्चा हमारी गोद में आता है। तो जो शक्तियां माँ के अंदर है वही शक्तियां धरती के अंदर है। तो आपको अगर किडनी की प्रॉब्लम है या लीवर की प्रॉब्लम है या कैंसर की प्रॉब्लम है, तो इस धरती से वो शक्तियां ले लो ना। इसीलिए बार बार कल मैं आपके जूते चप्पल उतरवा रहा था जब दिन में आप लोग वहां पे थे। तो आज के बाद जब भी मौका मिले तो हमें नंगे पांव धरती पे घूमना भी है। जब आप थेरेपी लेते हो तब भी नंगे पांव घूमो वहां पे, और उसी टाइम, और जब लेटने का दिल करे कहीं धूप में जाके लेट जाओ। जैसे दिन में बिस्तर पे घूमते रहते हो ना जब रेस्ट करते हो दोपहर को, यहां मत लेटा वेटा करो अंदर आके, वहीं धूप में जितना ज्यादा टाइम बिताओगे उतनी जल्दी ठीक हो जाओगे। इसके अलावा ये सब हो गया। जो खाना है, जो भी खाते हो, चबा चबा के खाना है, कुछ भी हो जाए चबा चबा के खाना है, जल्दबाजी में खाना नहीं खाना। और किसी दिन मूड खराब हो, गुस्सा हो, लड़ाई हो, टेंशन हो, रो रहे हो, उसे खाना नहीं खाना। तो मैं फेसबुक के लाइव पे बता दूं कि ये जितने पेशेंट हैं, 90% पेशेंट किडनी फेल के सीकेडी के पेशेंट हैं। ये कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, सब एक उम्मीद के साथ आए हैं कि हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन मैं इनको सबको बोलना चाहूंगा, अगर ये हमारे पास नहीं भी आते तो भी ठीक हो सकते थे, लेकिन उसके लिए उतनी एनर्जी, खाने पीने का ध्यान, लाइफस्टाइल, डाइट, मुंह पे कंट्रोल जरूरी है। क्योंकि हमें आदत है, दूध वाली चाय दे दो, साथ में 4 बिस्कुट दे दो, रस दे दो, फैन दे दो, ये सब नहीं खाना, क्योंकि हमारी बॉडी को ये सब नहीं चाहिए। हमारी बॉडी को क्या चाहिए? जो बॉडी के लिए बना हुआ है। जानवर जो खाते हैं वही खाते हैं जो उनके लिए बना हुआ है। इंसान
सब कुछ खा जाता है, जानवर भी खा जाता है। तो इंसान को मैं क्या बोलूं, भेड़िया या क्या बोलूं मैं? इंसान की शक्लों में हम क्या है ना, जानवर से भी बदतर। जानवर भी ना जो उनका खाना नहीं है नहीं खाते, लेकिन हम कुछ मर्जी खिला दो। बचपन में तो हम चौक खा जाते थे, मिट्टी खा जाते थे, दीवार की कली चाटने लग जाते थे। तो जो हमारा खाना नहीं है हम वो भी खाते थे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग जानवर से भी बदतर हो गए। तो भगवान ने क्या बोला, तुम दुखी रहो। तो अभी भी सुधरने का टाइम है। डॉक्टर अभिषेक या डॉक्टर मैं एक काम करूं, मेरे को ना गर्म पानी बोल दो, बिल्कुल उबलता हुआ गर्म गर्म पानी हर्बल टी दे। वो कल से मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा गला बैठा दिया आप लोगों ने, कोई बात नहीं। इसके अलावा जब भी रात को सोते हो आप लोग, तो सिर जो है वो पूर्व में या दक्षिण में होना चाहिए। पूर्व में करना है या दक्षिण में करना है। जैसे आपके पलंग पड़े पड़े रहने दो, जैसे इसका तकिया इधर है मान लो, अगर पूर्व या दक्षिण इस तरफ पड़ता है तो इधर करना है, मतलब जिधर पूर्व है उधर या दक्षिण में सिर करना है। जब भी लेटना है बाईं करवट लेटना है, कौन सी करवट? लेफ्ट करवट। और जब सुबह उठना है तो कौन सी करवट उठना है? दाईं करवट। जब सुबह सुबह आपकी नींद खुल जाए तो क्या करना है, लेट के बॉडी को हिलाना है। जरा एक बार हिला के दिखाओ सब लोग, बिस्तर पे ही पूरे हाथ पैर सब हिलाओ। अरे हटाए इसको चद्दर को, पूरा हिला। आज तो तुम्हें योगा सेशन बाहर नहीं करा रहा, अंदर ही करा रहा हूँ। पैर भी लाओ, पैर भी लाओ, पैर आगे करो। ये क्या है, इतने में तो दही भी नहीं मिलती, लस्सी भी नहीं बनी। पूरा हिलाओ बॉडी को, पूरा हिलाओ हाथ पैर। रोज सुबह बाहर योगा सेशन होता है आपका, आज यही अंदर हो रहा है, तो कैसे करोगे? तो हिलाओ हिलाओ, रुकियो गया, चलो अच्छी तरह हिलाओ, अच्छी तरह और अच्छी तरह हिलाओ। तो जब भी सुबह नींद खुलेगी आज के बाद आपकी, तो एकदम नहीं उठना, पहले क्या करना है, बॉडी को हिलाना है, फिर उसके बाद बाईं करवट लेकर उठ के बैठ जाना है। अब जो मैं करूंगा मेरे साथ साथ करूं, जैसे ही नींद खुल जाए सुबह दाईं करवट लेकर उठ के बैठ जाना है, और अच्छी तरह पहले बॉडी को हिलाया, अब हाथ रगड़ो अपने आपस में, अच्छी तरह रगड़ो, गर्म करो, करो करो करो, थोड़ा एंगल चेंज कर लो, और अच्छी तरह रगड़ो जोर से, इतना करना है गर्म हो जाए। हाँ जी डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर नेहा, आप लोग भी, हम भी अपनी ठंड दूर कर लेना। अच्छी तरह गर्म करो इसको, और गर्म करो जोर से, अच्छी तरह गर्म करो, और अभी हाथ गर्म होने लग गए, और अच्छी तरह करो। जैसे याद है बचपन में चिड़िया और तोता और खेलते थे, अच्छी तरह गर्म करके मारते थे, अच्छी तरह गर्म करना इसको पहले, है ना, ये ठंडा ठंडा मार देते थे। अब इसको आंखों में लगाओ ऐसे, 10-20 सेकंड रोक के रखो 10-20 सेकंड रोक के रखो अभी, पूरे चेहरे पर मलो और आंखें खोल दो। अब जो मैं एक्सरसाइज सिखा रहा हूं, अगर आप ये रोज करोगे तो आपका जो ब्रेन है, जो दिमाग है, वो और बेहतर काम करेगा। बुढ़ापे में भी भूलने की, जैसे अभी तो बुढ़ापा छोड़ो, जवानी में भी लोग चाबी रख के भूल जाते हैं, पैसे दे के भूल जाते हैं, किसको क्या बोला था भूल जाते हैं, है ना, पैसों किसको क्या बोला था भूल जाना चाहिए, वो याद रखे तो घर में कलेश होते हैं। किसको क्या बोला था भूल जाना चाहिए कि याद रखना चाहिए? याद रखना चाहिए। सर डिप्रेशन के मरीज बनोगे, सिज़ोफ्रेनिया के, मैनिया के, सारी बड़ी बड़ी बीमारियां आएंगी। डॉक्टर अभिषेक कहाँ है? तो सबसे बड़ी बात, आपने हाथ रगड़े, यहां लगाए, अब क्या करना है, अभी मैं सिखा रहा हूं, अपनी स्लाइवा लेनी है। क्या लेना है? अपनी स्लाइवा, अपनी लार लेके आंखों में काजल की तरह लगा लेनी है। क्या करना है आंखों में, अगर किसी की आईसेड, आप पहले आईसेड किसकी भी, क्या आईसेड आंखों की रोशनी किसी कम है तो हाथ तो उठाओ, फिर मुझे सपना आएगा, सीधा करो। और किस किस की आईसेड वीक है तो एक बार ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये 11 लोग रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, आपको सिखा रहा हूं आईसेड कैसे इंप्रूव करनी है। 15 दिन में ही फर्क दिखना शुरू हो जाएगा आपको। करना क्या है, सुबह उठे, उठते ही बॉडी को हिलाया, दाई करवट लेके उठ के बैठ गए, उसके बाद हाथ रगड़े, गर्म करके आंखों पे लगाया, और उसके बाद यही रहो डॉक्टर साहब,
ठीक है। उसके बाद अपना सलाइवा लेना है, अपनी लार लेनी है और आंखों में लगानी है। अच्छी अगर किसी की आंखें ज्यादा खराब है तो उसके बाद आपने क्या करना है, अगर किसी की ज्यादा आंखें खराब है तो ड्रॉपर से भी डाल सकते हो आंखों में। कैसे डालोगे? ड्रॉपर से भी डाल सकते हो आंखों में। ये दवाई है जो मुंह में बनती है सुबह सुबह खाली पेट, ये क्या है? दवाई है। लार, स्लाइवा बोलते हैं, अमाइलेज, लाइपेज, टाइपेज, ट्रिप्सिन, पिप्सिन, इसमें कई तरह के रसायन है। कम से कम 10,000 तरह के रसायन हमारे मुंह में बनते हैं। कितने तरह के? 10,000 से ज्यादा तरह के रसायन हमारे मुंह में बनते हैं। तो इस लार को आंखों में डाल के ये तीन उंगली ऐसे करो, यहां रखो, पहले देख लो, ऐसे रख के 7 बार घुमाना है, सीधा 7 बार घुमाना है राइट हैंड की तरफ, फिर 7 बार घुमाना है लेफ्ट हैंड की तरफ। अब शुरू करो, स्टार्ट करो, 7 बार सीधा, 7 बार उल्टा, सात बार सीधा, 7 बार उल्टा। आंखों को बंद करके भैया, आंखों को ऊपर लगाना है बंद करके, ठीक है? 7 बार सीधा, 7 बार उल्टा। उसके बाद 25-30 बार ऐसे करना है, 25-30 बार ऐसे करना है ऐसे, और 25-30 बार उल्टा। ये रोज करवानी है, प्रैक्टिस करवानी है स्लाइवर डलवाने के बाद, ठीक है? 25 बार सीधा और 25-30 बार। और टोपी उत्ते कर दो, चक्की माड़ी है, मंत्र लग रहा है। करो सीधा इसको, बॉडी पे उंगलियों की टैपिंग नहीं करोगे तो तत्वों को बैलेंस कैसे करोगे? और ये तत्वों वाला भी रोज कराना है, हाथों पे भी, पैरों पे भी। ठीक है। उसके बाद दोबारा हाथ पकड़ो, दोबारा रगड़ो, गर्म करो अच्छी तरह, और अच्छी तरह, और अच्छी तरह। अच्छी तरह रगड़ो, गर्म करो, दोबारा आंखों में लगाओ, रगड़ो रगड़ो मैंने रगड़ो अच्छी तरह, जल्दी नहीं, आंखें बंद रखो, आंखें बंद रखो, और जोर से, यस, आंखों में लगाओ, यस। अब 20 सेकंड रोक के रखो इसको, रोक के रखो इसको, 10 से 20 सेकंड रोक के रखो, पूरे चेहरे पे मलो, और जिसको थायराइड प्रॉब्लम है अपने गले पे मलो, जिसको थायराइड प्रॉब्लम है अपने गले पे मलो, ठीक है? ये एक्सरसाइज रोज करनी है, बिना एक भी दिन मिस करे। तो कैसा भी पुराने से पुराना चश्मा हो, छोटा मोटा चश्मे का नंबर दो 15-20 दिन में उतर जाता है, बड़ा नंबर हो तो 4-6 महीने लगते हैं। अगर फिर भी आंखों की प्रॉब्लम है तो तिवारी जी इनको साथ में अक्षय दर्पण करवाना है, अक्षय दर्पण हम साथ में कराते हैं तो दोनों काम होंगे, तो ये आईज वाला काम भी हो जाएगा। आयुर्वेद में अगर किसी की आंखों की रोशनी चली भी जाए तो 99% चांस होते हैं वापिस आ जाती है, लेकिन डिपेंड करता है कारण गई क्यों है। तो मैं अभी एक वीडियो अभी डॉक्टर शिव हरे को दे रहा हूं, अभी डॉक्टर साहब आपने वीडियो दिखानी है सबको, इनके फोन में भेज दो। आप ना जब पेशेंट आते हैं ना, तो जितने पेशेंट एक हफ्ते के होते हैं उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना, फिर जब वो चले जाए उस ग्रुप में सिर्फ एडमिन को पावर देके बाकी लॉक कर दिया करो, ताकि जो भी नई इंफॉर्मेशन देनी है सबको पहुंचती जाए। मतलब हर सोमवार को जितने लोग एडमिट है उनका एक ग्रुप बनाया, मंडे इस डेट का ग्रुप है वो, फिर अगले मंडे इस डेट का ग्रुप है, और इनको इनको शुरू में राइट दो बात करने का आपस में, बाद में क्या करो एडमिन राइट ब्लॉक कर दो सबका, ताकि ये मैसेज ना करें हम करें, ये करें तो पर्सनल नंबर पर आ जाए, और आपको जो इन्फॉर्मेशन देनी है, जो बात पहुंचानी है इन तक, वो उस व्हाट्सएप से पहुंचती रहेगी, ठीक है? तो आप लोग हर हफ्ते हमसे कनेक्ट में भी रहोगे, अपडेट भी रहोगे, ठीक है? तो मेरा तो हो रहा है टाइम जाने का, मेरी फ्लाइट है अभी, अगला सेशन इसके बाद डॉक्टर शिवरे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो भी आपको सीखना है, जो भी सवाल है, जो भी मन में बात है, वो पूछ लो अच्छे से, ठीक है डॉक्टर साहब? कंटिन्यू, हाँ एक बार कंटिन्यू करो, मैं ये जरा गला ठीक कर लूं।
सब लोगों को नाभि निकल जो उतर जाती है आता है, जो सिखा रहे हैं वो आ रहा है समझ? कैसे निकालते हैं नाभि? आ जाओ आप इधर आ जाओ, खड़े हो जाओ। तो चेक करो साहब, चेक कैसे करते हैं? नाभि चेक कैसे करते हैं? चेक करो। ठीक है, एक तो तीन चार तरीके होते हैं जिससे नाभि हटी हुई है धरण, तो आप पता कर सकते हो। फर्स्ट तरीका ये है, जो आगे चक्र वाला पॉइंट रहता है इसको दबाएंगे, अगर तेज दर्द होगा तो समझ लीजिए नाभि या धरण हटा हुआ है। अगर दूसरे हाथ का दबाएंगे और उसमें भी दर्द होगा तो समझ लीजिए नाभि दूसरी जगह खिसक गया है, ठीक ना। दूसरा तरीका है, आप हथेली को सीधे करो ऐसे पूरा हथेली, और ये जो ये देखो ये जो अगर हाथ है, हम ऐसे मिलाते हैं, अगर ये तो इनकी लगभग लगभग बराबर है, अभी इनकी नाभि ठीक है। अगर ये लाइनें जो है वो ऊपर नीचे होती हैं तो आप इसका मतलब है आपकी नाभि खिसकी हुई है। अब ये नाभि सेट कैसे करते हैं ये हम आपको बताते हैं। ये जो पहले हाथ को ढीला करते हैं पहले ऐसे, पैर ठीक करवाओ, सीधा करवाओ, पैर सीधे करो, पैर सीधे, जूते उतारो अपने। नहीं अभी तो एक बार ऐसे सिखा दो, यहाँ पे कोई फायदा नहीं, दूसरे पैर में कोई फायदा। देखिए जिसका नाभि हटा हुआ होता है उसको भी नंगे पांव रहना, थोड़ा कैद करो, और जो नाभि सही कर रहा है उसको भी नंगे पांव होना जरूरी है घास पर। पहले हाथ को चेक करते हैं हाथ ढीला है कि नहीं, अगर ढीला है तो ठीक है, और नीचे से इस हाथ को पकड़ेंगे इस हाथ से, और यहाँ पे पीछे करो इसको, एल बनाओ, एल पीछे करो, कोनी पीछे करो, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद जो यहाँ पे एक नस निकली रहती ब्रैकल आर्टी, तो उसको यहाँ पे इस हाथ को यहाँ पे रखते, इसको दबाते हैं और इसको ऐसे खींचते हैं, दबा करके योगी जी के पंजे की तरह मकान डालते हैं उसका, ठीक है सर, इसको खींचते हैं और दबाते हैं, खींचते बाहर की तरफ जैसे वो छोटे होते हैं ना। तो सरकारी स्कूल में कौन कौन पढ़ा है आप में से? सरकारी स्कूल में पढ़ा है कोई? जो बच्चे लोग टट्टू वाला खेल देखते थे, बच्चे खेलेंगे तो बॉल निकल आएगा, वही वाला, बस वही वाली मसल खींचनी है, वही करना है आपको। और दूसरा, और योग में कई आसन रहते हैं जैसे उत्तात पादासन, 30 डिग्री, अर्धहलासन, सुप्त वज्रासन, मंडू पवन मुक्त आसन, इस सारे आसनों से जो हम सुबह सुबह पेशेंट को करवाते हैं उससे भी आप नाभि या धरण सही कर सकते हो, ठीक ना। ये सारे तरीके रहते हैं, और भी तरीके चेक करने के रहते हैं, चार पांच तरीके और भी रहते हैं, आपकी मेमोरी ग्लैंड से और नाभि की डिस्टेंस को चेक करते हैं धागे से, अगर ऊपर नीचे रहता है तब भी समझ लीजिए नाभि या धरण आपका हटा हुआ है। चौथा तरीका ये भी रहता है कि पैर को सीधा करते अंगुष्ठ अगर आगे पीछे जाता है दोनों पैरों का, तो समझ लीजिए एक पैर का तो नाभि या धरण हटा हुआ है, तो इसे आप चेक करें, और इसको इसको दबा करके और नाभि को सही करते हैं। इस वाले पॉइंट को दबा करके भी 5 बार दबाना है, फिर छोटा एक बार दबाएंगे छोड़ेंगे, दबाएंगे छोड़ेंगे दबाएंगे, और उसके बाद हम तत्वों से भी इसको सही कर सकते हैं और चक्र को एक्टिव करके भी कर सकते हैं। जैसे आपका ये है पृथ्वी तत्व, इसको भी ऐसे दबाते हैं, दो उंगलियों अंगुष्ठे पृथ्वी तत्व को बोलते हैं 5 बार, पृथ्वी 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 पृथ्वी, और इसको फिर जल, जल तत्व ये रहता है, और फिर ये अग्नि, ये वायु, ये आकाश। अब बाय बाय, बाकी कल मिलेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। अच्छा एक एक प्रॉमिस करो सब लोग, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक डॉक्टर साहब रिकॉर्डिंग करो, मेरा फोन पे है, इसमें एक रिकॉर्डिंग करो सबकी, मैं इनसे एक एक शपथ लेता हूँ ना कि सुधरेंगे तभी फिर उसके बाद। चलो एक शपथ लेते हैं, मेरे पीछे पीछे बोलोगे, हम सब ये प्रण करते हैं कि जब तक अपनी बीमारी को अच्छी तरह हरा नहीं देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। जो परहेज बताया जाएगा वो पूरा करेंगे और अच्छी तरह से खाने को चबा के खाएंगे। जिस दिन मूड खराब होगा गुस्सा होगा उस दिन कुछ नहीं खाएंगे। पानी को भी घूट घूट करके पिएंगे अच्छी तरह चबा चबा के और जिस दिन भी
बारिश का मौसम होगा, बारिश का मौसम होगा, तूफान होगा, या मौसम बदल रहा होगा, या मौसम बदल रहा होगा, उस दिन खाना बिल्कुल नहीं खाएंगे, उस दिन खाना बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, कोई पकोड़े, कोई पकोड़े, कोई समोसे, कोई समोसे, कोई कचौड़ी, कोई कचौड़ी, कोई पकोड़े, कोई पकोड़े बनाएंगे तो, बनाएंगे तो पड़ोसियों को दे आएंगे, खुद नहीं खाएंगे। अब एक बार मेरे पीछे बोलो, मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं एक्टिव हूँ, मैं एक्टिव हूँ, मैं ऊर्जान्वित हूँ, मैं ऊर्जान्वित हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं भगवान की संतान हूँ, मैं भगवान की संतान हूँ, मैं बीमार नहीं हो सकता हूँ, मैं बीमार नहीं हो सकता, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, और मैं स्वस्थ ही रहूंगा, मैं स्वस्थ ही रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था, अब गुड़गांव, अमृतसर, दिल्ली, जलंधर, जोधपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है, हिम्स की ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए। भाई राजीव दीक्षित की याद में ये हिम्स शुरू हुआ था। भाई राजीव दीक्षित चाहते थे पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बचे, आयुर्वेद की वजह से भारत विश्व गुरु बने। हमें आपकी मदद चाहिए। हर किडनी पेशेंट, लीवर फेल के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए और भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।